कि दया के पात्र हो आप, ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आग है, ठाकुर आग है। मैं माननीय सांसद मनोज झा को कहना चाहता हूं कि दया के पात्र हो आप, ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आग है, ठाकुर आग है। उसको आग मत लगने दो, अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना तो उसको हम पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे, हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते हैं, आप तोड़ने का काम करते हैं। अरे छत्री तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौगा नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा छत्री समाज देगा, चिंता मत करो। ये क्षत्रिय समाज को ललकारते हो। हम कभी भगवान को निवेदन और आवेदन देने गए थे कि हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दो, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है। एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगो हो तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे, चिंता नहीं करो। हम लोग क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान बनाया था, संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं और हम लोग अभिमान भी नहीं करते हैं। राम का, राम इतना बड़ा, राम के वंशज है, रावण इतना बड़ा विद्वान, रावण को किसने मारा? उसको घमंड ने मारा। इसलिए कभी अभिमान मत करना, और स्वाभिमान, स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता करता है हमारे जात में, वो आदमी छत्री नहीं कहलाता है। हम लोग कभी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। बात करते हो ठाकुर के ऊपर बोलते हो, अरे लज्जा करो। अरे हम ठाकुर तो ब्राह्मण को पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हमको लगता है मनोज झा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आप लगता है घी स्थिर के पास करके वहां गए। हमको लगता है कि आप घी स्थिर के पास करके गए। अगर अच्छे विद्वान होते इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं। हम राजनीति में आए हैं, अढ़ाई दशक से राजनीति में है, 2006 से एमएलसी है, 2006 से एमएलसी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी आपने देखा हमको परिवारवाद करते हुए? न बेटा न बेटी न पत्नी न भाई, किसी के लिए मैं नहीं करता, क्योंकि आप मेरा परिवार है। अगर अपने पत्नी भाई का करूंगा आपका हक मारूंगा, ये याद रखिएगा। मैं परिवार की राजनीति नहीं करता, आप लोग मेरा परिवार है, याद रखिएगा। परिवार के लिए हम लड़ते हैं। हम गए थे मधुबनी में आज से 2 साल पहले, महम्मदपुर में हत्या हुआ था, आप लोग को भी मालूम है। 7